मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह का टाइम, हाँ सुबह सुबह, बहुत सुबह, मतलब सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह बहुत सुबह का टाइम। और फिलहाल टाइम हो रहा है 7:30 और मैं वेट कर रहा हूँ सौरभ भाई का। वैसे तो हमें यहाँ से निकलने का, मतलब अभी फिलहाल अपने घर पे गुड़गांव में, गुड़गांव से अपने को बाहर जाना था और बाहर निकलने का प्लान था कि 7 बजे हम गाड़ी में बैठ के कट लेंगे। 7:30 बज चुके, अभी तक कोई आया नहीं है। मैं जल्दी उठ गया था, मैं तो पंक्चुअल हूँ ना, आपको तो पता है मैं पंक्चुअल हूँ भाई। एक्साइटमेंट लेवल बहुत तगड़ी है, ठीक है। अपन जा रहे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर, हाँ एकदम जयपुर की तरफ। एक्चुअली जयपुर ही जा रहे हैं, और जयपुर जा रहे हैं किसी की गाड़ी की डिलीवरी लेने। हाँ कल हमने डिलीवरी ली थी फॉर्च्यूनर की, आज हम डिलीवरी ले रहे हैं एक BMW की। कौन सी BMW, वो कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। तो ले जाने के लिए मैं अपनी गाड़ी भी ले जा सकता था, क्योंकि गाड़ी अपनी रेडी है, बट आज हम सौरभ भाई के GLC से जाएंगे। वैसे तो मैंने उनको GLC मोटू तू की आई देख रहे हो कितना नींद भरा है इसकी आंखों में। ये मेरे पीछे पीछे आ तो गई है, लेकिन गर्मी में ज़्यादा रुकेगी नहीं भाई। इतनी तगड़ी धूप पड़ रही है ना, इतनी तगड़ी धूप पड़ रही है, देख रहे हो। हाँ सन को फोकस करने में भी कितना टाइम लग रहा है। ओए जा अंदर बैठ, AC में बैठ, देख रहे कितनी बदतमीज़ है। ये मेरे वीज़ा का कवर लेटर है, ये जाना है वीज़ा ऑफिस में, जो उस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था ना, उसका कवर लेटर चाहिए था उनको। सौरभ भाई भी ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, मतलब नहीं पहुँचने वाले हैं। पंक्चुअलिटी नाम की भी एक चीज होती है। sorry, भाई 8 बज गया सौरभ भाई, पंक्चुअलिटी नाम की भी एक चीज़। मैं ना 5 बजे उठ गया था। अच्छा ऐसा कैमरे पे नहीं बोलना है ये सब चीजें, चलें चलें। चलो चलो 5 बजे उठ गया था, झूठा उठ के फिर सो गया था। भाई तो यहाँ से अपने को दिखा रहा है 4 घंटे 4 मिनट, हाँ 4 घंटे 4 मिनट जयपुर BMW। हाँ BMW जा रहे हैं ना, दूसरी मर्सिडीज में BMW जा रहे हैं मर्सिडीज की गाड़ी लेने। यस ये ना BMW वाला, हम शूट पे मैं भी आज सोचा था ऐसा बड़ा कैमरा लेके आऊं, फिर मैंने कहा प्रिंस आ रहा है बड़ा कैमरा लेके तो कोई जरूरत ही नहीं, छोटा रील निकालेंगे। हाँ तगड़ी वाली ना, डन है भाई। कुछ उठाएंगे खाने वाने के लिए? पानी तो हमने ले लिया भाई। हाँ सबसे पहले मैंने पानी लिया, सामान उठाया ना चिप्स। हाँ वो उसको भूख लगी थी ना, कुछ खा के नहीं आया तो रास्ते में, कोई बात नहीं रास्ते में अभी कुछ मिला दूसरा मिलेगा वहाँ पे। भगा लो अब सौरभ भाई एकदम फटाक से। आप मैं देख रहा था आपका स्पीड बहुत कम था। आगे जी अपन मुंबई एक्सप्रेसवे पे, मतलब ये फायदा होता है ना कि गुड़गांव में रहने पे ना इमीडिएटली कहीं भी जयपुर वयपुर के साइड निकलना होता तो फटाक से हाईवे पे, मतलब कोई ट्रैफिक ही नहीं। बट दिल्ली से आने वालों को थोड़ा ट्रैफिक मिल जाता है, और कुछ लोग तो लेट भी उठते हैं। मैं 1 घंटे इसका जल्दी आने का भी कोई फायदा नहीं, जल्दी उठने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आया तो लेट ही। हाँ 10 मिनट तो चलते हैं, 10 मिनट नहीं ज्यादा। कितनी देर वेट किया? मैं तो 1 घंटे वेट किया, फोन आ गया था ना आपका मेरा। हाँ हाँ भाई अब यहाँ से चेक कर प्रिंस, मैंने तेरे को कॉल कब किया? 200 किलोमीटर अपने को इसी हाईवे पे चलना है, मस्त वाले हाईवे पे। हाँ एकदम खुला रोड भाई, एकदम खुला, सीधे 200 तक, बस बीच में एक जगह कहीं पे रुक जाएंगे। यहाँ पे अगर कुछ खाने वाने के लिए मिलेगा ना तो हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, क्योंकि सुबह के कितने बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 8:30 और हमने कुछ खाया नहीं, हम तीनों में से कुछ ही नहीं। अरे वैसे भी आपको तो एनर्जी की जरूरत है। हाँ जूस वूस पी लिया मैंने। कहा नहीं नहीं इंटरसेप्टर है ये, देखो ना इंटरसेप्टर है ये। 120 अलाउड? हाँ 120 अलाउड है, हमारा तो कोई टेंशन नहीं है, हम तो 120 पे इसलिए चल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना जैसे ही 120 से बढ़ाएंगे ना तो इसका म्यूजिक बन जाएगा, फिर टिन टिन इतना तेज आवाज करता है ना भाई ये, मतलब सीरियसली। लेकिन ये जो जाने 120, ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये उत्तर प्रदेश। अरे LC जा रही है, इनका माफ है माफ है। पहुंच गए जी अपन अलवर, और यहाँ पे ये 3-4 रेस्टोरेंट टाइप के हैं जहाँ पे हमें रुक के कुछ खाने वाने के लिए मिल सकता है, बस यही ऑप्शन है। अर्बन ढाबा, हाँ क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, कुछ VIP मूवमेंट है लगता है, रात रात तोड़ के ले जाएंगे। कैमरा भी बड़ा, अरे तेरे पास बहुत पैसा भाई, प्रिंस भाई नाम है जिसका, प्रिंस हो। 2.5 लाख टाइटेनियम के अंदर अगर मोबाइल गिरा तो मिलेगा भी नहीं, आदमी गिरा तो आदमी भी नहीं उठ पाएगा। आहा अब हम चलाएंगे भाई, ये पंगा है देखो। अब ना हम 120 से ऊपर हैं, मतलब 131 पे हैं, तो ना टिंग टिंग इतना ज़्यादा कर रहा है ना कि गाना जो हमारा करण ओजला का ऑन द टॉप बज रहा है ना वो सुनाई नहीं पड़ रहा भाई, वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। और सीरियसली 140 150 पे तो पता भी नहीं चलता यार, इस हाईवे पे इतना अमेजिंग हाईवे है ना,
बस आपको हवा की आवाज आ रही होगी, इसको थोड़ा सा कम कर, और भाई इसको थोड़ा कम करो ना। हाँ अब आपको ज्यादा आवाज आ रही होगी इसकी। भाई तो अपन उतर गए मेन हाईवे से, है ना जी, NE4 नेशनल एक्सप्रेस वे 4 से, और वापस आ गए जी NH21 पे। ये पीछे कोटा वोटा वाला रोड है, ठीक है। अब यहाँ से तो 70 किलोमीटर, मतलब 70 किलोमीटर तक तो आपको नॉर्मली इसी रोड इसी हाईवे पे चलना पड़ेगा। अब क्या है ना कि इतने अच्छे हाईवे के अचानक से आपको इतना सारा ट्रैफिक मिलता है ना, तो थोड़ा मॉडी और ना माइंड अडेप्ट नहीं कर पाता है। बट ठीक है यार, अभी कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी बहुत ताबड़तोड़ चल रही है यार। पहुंच चुके हैं जयपुर, और जयपुर में अभी जा रहे हैं हम सीधे शायद होटल पे सबसे पहले, क्योंकि हम ना थोड़ा सा पहले पहुंच गए, मतलब जो टाइम था वो 12 बजे का था। हमने गाड़ी इतनी धीरे चलाई, आराम से चलाई, कि हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए। रास्ते अच्छे थे ना, बहुत अच्छे थे। अभी पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे हैं, यहाँ से सीधे होटल का डेस्टिनेशन डाला है, तो खन्ना मतलब जिसकी गाड़ी की डिलीवरी में हम आए तो वो होटल में ही रुका हुआ है, क्योंकि अनबॉक्सिंग वगैरह तो कल ही हो गई थी। मतलब वो गाड़ी वाली बॉक्स में आती है ना, वो क्या कार्टन में आती है ना, तो वो जैसे मिठाई का पैकेट नहीं होता है, कार्टन खोलो पहले, तो वैसे मिठाई का पैकेट तो कल ही खुल चुका है, आज सबको दिखेगा। खन्ना कल देख चुका है मिठाई, खन्ना तो देख चुका है, खन्ना देख चुका है मिठाई, तो खुद पर्सनली पीडीआई करी है। हाँ ऐसे नीचे आगे ऊपर, हाँ रील वील भी डाल दी एक दिन पहले ही डाल दी, भाई भाई से कंट्रोल ही नहीं हुआ, रील वील भी डाल दी पहले ही। अज्जू भाई ने भी तो डाल दी, अज्जू भाई ने तो लोन से खन्ना भाई तो 2 दिन से होटल में ही है, ये गजब डिलीवरी हो रही है भाई, मतलब शादी नहीं होती यार, एक दिन डब्बा पूरा शगन डिलीवरी हो रही है, कल सगाई थी आज शादी है। तभी खुशी भाई, चलो ऊपर चलते हैं ना, फाइनली पहुंच गए। किस दिन पकड़ लेगा ये, प्लेफुल मूड में आ गया है। हां नहीं नहीं ऐसे, हां ये जबरदस्ती ऐसे सब डरा रहे हैं आपको, ना डॉग की खुशबू आ रही होगी ना। अच्छा तभी ना, इसको कोई मजा आ रहा है, बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट, अभी देगा आपको क्यूट देगा। अच्छा देख रहा हूं मैं तेरे को, बहुत क्यूट है। मुहूर्त कब का है? बस 1 बजे का है, 12:30 निकल जाएंगे यहाँ से। पक्का? पक्का। मुहूर्त तो वैसे मैं रात में बनाने का सोच रहा हूँ, दिन में भी हो ही जाएगा बढ़िया। बस एक चाय। चाय सबके लिए ऑर्डर कर दी। सो गाइज, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इन दिस वीडियो, लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट Budmo.com। सो Budmo.com इज द बिगेस्ट स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट इन इंडिया। इनके पास छोटी से बड़ी गाड़ी का स्पेयर पार्ट अवेलेबल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे जो स्पेयर पार्ट अपनी गाड़ी के लिए चाहिए वो सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक शॉप पे अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस केस में मैं Budmo के साइट पे जाके अपनी गाड़ी का मॉडल और मेक सेलेक्ट करके वो स्पेयर पार्ट अपने घर पे डिलीवरी मंगा सकता हूँ। Budmo पे मुझे डिफरेंट कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये ऑप्शन मिलने से मेरी प्राइसिंग में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सो मैं अपने हिसाब से अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट कर सकता हूं और वो प्राइसिंग चेक करके वो पार्ट अपने घर पे मंगा सकता हूं। एक बार वहां से पार्ट ऑर्डर करने के बाद जब पार्ट मेरे घर पे आता है और मुझे समझ में नहीं आता है, तो दे हैव अ 10 डेज एश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी, जहां पे 10 दिन के अंदर मैं वो पार्ट रिटर्न कर सकता हूं। सो Budmo.com iOS और Android दोनों के लिए अवेलेबल है। मैं Budmo का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, गो चेक इट आउट। चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। ओहो क्या जबरदस्त लग रही है ना, डिफेंडर ब्लैक और ये गाड़ी ब्लैक। इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा ना, एक तो काली गाड़ी, अभी बता रहा था कि काली गाड़ी कितनी खूबसूरत लगती है भाई, लेकिन धूप में अभी 5 मिनट खड़ा करके रखा और इतना भयंकर तप रहा है ना। मैंने ऑटो को ना थोड़ा कम किया था क्योंकि बहुत तेज आवाज आ रही थी फैन की, तब भी जाके ठंडा नहीं हो रहा था भाई। तो फिलहाल अपन निकल गए, टाइम कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, मतलब 1 घंटा हम ना रूम पे बैठ के ऐसे गपशप वपशप मार रहे थे। अब यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, 14 किलोमीटर दिखा रहा है। ये रही दो थार, ये दो थार, हाँ ये दो थार है भाई, ये दो थार है, ये छोटी सी जो दिख रही है ना, दो थार है, 27 लाख। ओ भाई साहब, ये फॉर्च्यूनर है, हाँ ये फॉर्च्यूनर है, हाँ वो थार थी, वो दो थार थी एक्चुअली, और ये फॉर्च्यूनर है भाई। ये तो बहुत सुंदर लग रही है, ये देख रहे हो, इसमें देखो ना मेमोरी सीट भी है, एक और है फॉर्च्यूनर जैसी, एक और, अच्छा वो पीछे भी है भाई, ये गलत जगह है, ये गलत जगह है, ये गलत जगह हम आ गए भाई। 1800 cc का इंजन और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी वो 340i वाले है भाई। जट भाई एक चीज तो बताओ, स्पीड ब्रेकर पे लगा देनी है नीचे। हाँ सीरियसली भाई, अभी जैसे हम आ रहे थे तो स्पीड ब्रेकर पे साइड वाइड नहीं कर रहे थे, इसमें भी ऐसा ही होगा, इसके मुकाबले वो नहीं है, इसके सस्पेंशन है क्या, ऑटोमेटिक है, एयर सस्पेंशन है इसमें भी, एयर सस्पेंशन है भाई, वो जैसे डिफेंडर में ना,
ऐसे दबाया उठ गया, वैसे वाला नहीं है, वैसे वाला नहीं है नहीं यार। लेकिन ये भाई बॉक्सर इंजन है ना, गोल्ड विंग में बॉक्सर इंजन नहीं है इसमें। और इनके ये बताइए कौन सा इंजन होता है, इसका फील अलग है। मतलब इसका फील अलग है, मेरे पास 1250 सीसी की बाइक है ना, जो बीएम, उसमें बॉक्सर इंजन है, वो आपने चला लिया, आपको दूसरी बाइक पसंद ही नहीं आएगी। अच्छा, जैसे आपको अपनी गाड़ी के बिल्कुल वो बाइक नहीं चलाना है, जब दूसरी पसंद नहीं आई तो बिल्कुल वो नहीं चलाना। हाँ, ये एक थार है भाई, वो एक ये महंगा एक्टिवा है, बहुत महंगा है भाई। भाई फाइनली देखो, भाई का नाम खन्ना ओमकार था। ये बीएमडब्ल्यू वाले बहुत सही करते हैं यार, एकदम प्रीमियम। आदमी को पैसा देते वक्त ना फील नहीं होकर पैसा दिया आदमी ने। मेरी बारी में भी किया, छोटी थी। अरे ठीक है सौरभ भाई, इतना चलता है। महिंद्रा में लेने जाओगे कुछ नहीं मिलता, वो लैंड रोवर वाले बड़ी दिखाते। तो कोई नहीं, स्क्रीन बड़ा कर देंगे, 55 इंच लगवा देंगे। बेस्ट शॉट कहीं से आ रहा है ना, तो यहाँ से आ रहा है। हाँ, मस्त दिख रही है भाई, बहुत मस्त दिख रही है। बट भाई दो थार के बराबर है, मतलब ये जितनी छोटी है ना उतनी पावरफुल भाई, 1000 cc। अभी कौन सी है ना, वो तो अभी जब अनवील होगा तब आपको बताएंगे भाई। लेकिन बहुत महंगी है भाई, यहाँ पे तो ना मेरे को ना 3-4 बाइक देख के ना ऐसा मन कर गया कि यार अपने कलेक्शन में एक बाइक होना ज़रूरी है, मतलब अच्छा लगेगा। गैरेज में एक बाइक रहेगा तो अच्छा लगेगा। चलो भाई, चल भाई, किसी और के ऊपर नहीं। हां, चलो चलो, 3 2 1। हां भाई, पहला चल, सेक्सी यार। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेट। किसने बनाया दस्तूर ऐसा। बाइक अब खाली हो गई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। क्या जबरदस्त है यार, बहुत ही खूबसूरत ना। हाँ भाई साहब, मतलब सीरियसली इसको देखने के बाद ना खन्ना के जो चेहरे पे स्माइल थी ना, वो बट ऑब्वियस बात है, बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत। 1000 cc एंड भाई, ये इनलाइन 6 है ना? ये 10 है, 4 है यार। इनलाइन 4 है? इनलाइन 4 है, 6 नहीं है। अच्छा, बाइक में इनलाइन 6 आता है या नहीं आता? इनलाइन 6 इनलाइन मेरे हिसाब से तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? आता है, नहीं गोल्ड विंग भाई आता है, गोल्ड विंग रॉकेट रॉकेट आती है। वो बोल रहे हैं, वो देखो उस्ताद जी बोल रहे हैं इनलाइन 6 है वो, ये इनलाइन 4 है। ये खन्ने का तो कुछ पता ही नहीं है यार, एक तो मैं बेवकूफ, दूसरा मैं गलत आदमी से पूछ रहा हूँ। ये कह रहा है इनलाइन 6 आता ही नहीं है, ऊपर से उसने बता दिया कि पीछे खड़ी है। भाई आप समझ जाओ कि भाई बहुत तगड़ी चीज़ है यार, और ये इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है ना। 310 जाती है, 300+ जाती है, 300+ है भाई। वो मत करना भाई, 300+ मत करना। चल ठीक है, ड्राइव सेफ, लव यू। बस हम तो एक्सप्रेसवे से निकलेंगे, नीचे नीचे से ना, तो हम सीधे मिलते हैं ट्रैफिक में ना, गुड़गांव में। चलो ओके भाई। सुबह जब हम निकले थे ना तो ये फुल टैंक था, अब सिर्फ 118 किलोमीटर का रेंज बता रहा है, और एवरेज अपना आ रहा है, बबका मार रही है। हाँ लेकिन अंदर से सही है, अंदर से तो ठीक है, अंदर से सही है। मैं तो ये दिखा रहा था कि 8 का एवरेज दिया गाड़ी ने, बहुत तगड़ा एवरेज। और ये भी चलते हुए मतलब खाली कब कब से स्टॉल करिए। हाँ, प्रिंस का है, छोड़ के जाना क्या उसको? नहीं, पीछे गाड़ी है भाई। हम आ गए गाड़ी में, ठीक है दोनों भाई, ठीक है। अब प्रिंस बचा हुआ है, हो सकता है वो छूट भी जाए, हो सकता है कि उसको हमने 500 रुपये वैसे दे दिया था, पेटीएम कर दिया था कि भाई यहाँ से बस सीधे आती है पुराने वाले हाईवे से, हम तो नए वाले से जाएंगे। लेकिन इससे पहले ना अगर कभी कुछ खाने को मिलेगा तो खा लेंगे, क्योंकि फिलहाल पता है कितना टाइम हुआ है, ऑलमोस्ट 3:30 बजे है यार, 3:30 बज रहा है, और यहाँ से पहुँचते पहुँचते मतलब यहाँ भी दिखा रहा है 4 घंटे 7 मिनट 275 किलोमीटर, और पहुँचेंगे रात में 8 बजे। लंबा हो गया ना, वेदर बहुत खराब है, बहुत खराब, मतलब अंदर भी एक्चुअली इतने लोग थे ना, पूरे टाइम स्वेट करते रहे, नहीं इतनी गर्मी। हाँ ब्लोअर नहीं चल रहा था, हाँ एसी थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं था। 10 बज जाएगा दिखा रहा है ना, 9:40 दिखा रहा है भाई, 9:40 दिखा रहा है, 4 घंटे पीक टाइम पे। यहाँ से यूटर्न लेना है सौरभ भाई, ठीक टाइम पे पहुंचेंगे। अच्छा ठीक टाइम पे, हाँ मुझे लगा पीक टाइम पे पहुंचेंगे। अब पीक टाइम ठीक है। अब तो यहाँ तो मैं तो इधर बैठ गया ना, तो मैंने कहा सौरभ भाई देखो आते वक्त ना मैं बहुत चलाया, अब आपकी बारी। क्योंकि अब हमने खाना खा लिया ना।
तारा भाई कह रहे बहुत चलाक आदमी है तुम। अगर आप दोनों को रेस्ट करना तो मैं चला सकता हूँ। रेस्ट इन पीस नहीं होना है भाई। ओ चलो भैया घर छोड़ दो मेरे को। हाँ देख रहे हो कितना टाइम है, 11 बज रहा है। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाँ एग्जैक्टली इंजन रम गया, इंजन रम गया। ओ, भाई आज भगाई है बहुत गाड़ी। चलो चेयर्स। ये दोनों बंद करो, कैमरा बंद करो, जल्दी बंद कर दो। पता नहीं क्या हुआ, ये गुजरात नंबर गाड़ी यहाँ से जा रही थी, ये सामने पुलिस वाले अंकल को देखो, इन्होंने जब रोका तो भाई ये भागने लगे। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। बट G20 समिट के लिए ना इतनी भयंकर चेकिंग चल रही है, इतनी भयंकर चेकिंग चल रही है। ये देखो कुछ तो समझा रहे हैं भाई। सुबह निकला था मैं, हाँ 11:30 बजे वापस पहुंच रहा हूँ। बहुत बुरी हालत हो गई भाई, बहुत ज़्यादा बुरी, एकदम थक के तो भाई चकना चूर हुआ पड़ा हूँ, चकना चूर। भाई देख रहे हो क्या बुरी हालत है। बाकी ये व्लॉग अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप चैनल पे, ना तो डू सब्सक्राइब चैनल। कमेंट में खन्ना को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कर देना, भाई ने 27 लाख रुपये की गाड़ी ली है भाई। 2 थार आते हैं, हाँ 2 व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव करो तो शायद 3 भी आ जाए भाई। इतनी महंगी बाइक, लेकिन भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से, और इसलिए भाई की खुशी में हम शामिल होने यहाँ से जयपुर गए, जयपुर से वापस आए। हाँ तगड़ा तगड़ा भाई तगड़ा।